सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर एक बार कुछ सवाल लेके आए हैं। प्रश्नावली 6.3 के रेखा कोण से संबंधित है और सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले अगर हमारे वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और वीडियो पे आते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर एक बार कुछ सवाल लेके आए हैं। प्रश्नावली 6.3 के रेखा कोण से संबंधित है और सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले अगर हमारे वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और वीडियो पे आते हैं। यदि रेखा PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रक्षेप करती हैं, दो रेखा है क्या है PQ और RS, दो बिंदु एक बिंदु T पर प्रक्षेप करती हैं, मतलब प्रक्षेप करेंगी, उनके शीर्षा बिंदु कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्या है PQ रेखा है, एक RS रेखा है, T बिंदु पर प्रक्षेप कर रही है। कि PRT 40 अंश है, पी आर टी बराबर कितना है 40 अंश, पी आर टी बराबर ये कोण आपका कितने अंश का है 40 अंश का है। आर पी टी ये आपका है 95 अंश का, 95 डिग्री का। दो कोण दिया गया है, टी की एस क्यू 75 अंश है, टी एस क्यू कितने डिग्री का है 75 का है। यस क्यू टी की वैल्यू बताइए, यस क्यू टी की वैल्यू बतानी, मतलब ये डिग्री में बताना है ये कितने डिग्री की है। अब देखिए ये 95 है, ये 40 है, हमें पता है ये वाला कितना होगा। कैसे पता है, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप लिख सकते हैं, ये मान लीजिए ये यक्ष कितने डिग्री का है, यक्ष है, अगर ये यक्ष है ये भी यक्ष ही होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है, दोनों यक्ष, अगर ये यक्ष है ये भी क्या होगा शीर्षा विमुख कोण है, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए 95 और 40 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 135 अंश का, कितना आ जाएगा 135 का आ जाएगा। तो ये 135 180 में से 135 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 45 अंश का, मतलब ये कोण कितने अंश का है 45 का है, ये 45 का है, ये भी 45 का हो गया, दो कॉमन बात हो गए। अगर ये 45 का पता चल गया तो ये 45 अंश और ये 75 अंश दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया 5 5 7 5 12 120 अंश हो गया। तो ये बता कितने अंश का होगा, वही जितना बच गया होगा, 180 में ऐसे घटा देंगे कितना बचेगा 7 अंश का, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने से सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, लिखेंगे कि पी क्यू और आर एस द्वारा टी पर बना कोण, टी पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है आर टी पी बराबर होगा कोण आर टी पी बराबर होगा कोण क्यू टी एस, ये दोनों और किसके बराबर है कोण यक्स के बराबर है, ये दोनों कोण किसके बराबर है कोण यक्स के बराबर है, ये दोनों कोण कोण यक्स के बराबर, यक्स के बराबर है। अब हो गया, अब जानते हैं कि त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में तो कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण टी, कोण टी या फिर लिख सकते हैं इसको कोण यक्स, क्या लिखे कोण यक्स बराबर है कितने का 180 अंश का ना, कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण यक्स बराबर कितना होगा 180 अंश, पी की वैल्यू है 95 डिग्री, आर की वैल्यू है 40 प्लस कोण यक्स बराबर आ गया 180 अंश, 40 और ये 95 और 40 जोड़ेंगे 135 हो गया, तो कोण यक्स बराबर आ गया 180 में से 135 घटा दिया जाए आ जाएगा इसकी वैल्यू 45 अंश का, मतलब कोण यक्ष की वैल्यू कितना आ गया 45 अंश है। तो ये वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पहले समीकरण एक में है तो कोण क्यू टी एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू टी एस बराबर हो गया 45 अंश। फिर देखिए उसके बाद देखिए त्रिभुज क्यू टी एस में
अब इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, उसमें भी वही हो रहा है कि कोण क्यू प्लस कोण यस प्लस कोण यक्स बराबर 180 अंश। तीनों कोण का योग कितना होगा 180 अंश का होगा। कोण की क्यू वैल्यू आपको निकालना है तो लिखेंगे कोण क्यू प्लस कोण यस की वैल्यू हमें पता है कितना दिया गया 75 अंश। ये आप कोण यस है तो इसकी वैल्यू दी गई कितना 75 अंश है, और कोण यक्स की वैल्यू हमने यही निकाला है कितना है 45 अंश है, बराबर हो गया 180 अंश। अब यहाँ से कोण क्यू की वैल्यू बता सकते हैं, कोण क्यू बराबर हो जाएगा 180 और इन दोनों को जोड़ दिए 75 और 45 जोड़ेंगे कितना हो गया 120। तो 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 60 अंश। तो कोण क्यू की वैल्यू कितना आ गया 60 अंश। हमें यही बताना था कि कोण यस क्यू टी की वैल्यू कितना है, यस क्यू टी की वैल्यू, यस क्यू टी की वैल्यू वही आपका आंसर हो गया। यही आपकी इसकी वैल्यू है यस क्यू टी की। नोट कर लीजिए क्या पी क्यू पैरेलल पी एस, पी क्यू जो है क्यू जो है लंब है पी एस पे, क्या दिया गया लंब की साइन है वो पी क्यू है पी एस पे लंब। लंब मतलब हो गया 90 अंश का ही कोण बनाएगा, कितने अंश का 90 अंश का कोण फिक्स बनाएगा, मतलब ये कोण पी बराबर हमें पता चल गया कितने डिग्री का है 90 का पहली कंडीशन। फिर दिया गया है पी क्यू पैरेलल पी एस आर, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, मतलब ये कोण ये कोण क्यू और ये 65 वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा क्योंकि एक अंतर कोण है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक सीधी रेखा द्वारा बना कोण एक अंतर कोण बराबर होते हैं। आप ये पूरा कोण और ये इधर का आर 65 अंश वाला मान क्या होगा बराबर होगा। और दिया गया है क्यू आर पी 65 अंश, ये कोण दिया गया 65 अंश है, तो यक्स और वाई की वैल्यू बताइए। यहाँ हो गया यक्स ये हो गया वाई, यक्स और वाई की वैल्यू में बतानी है। अगर x और y की वैल्यू बता दी डायरेक्ट लिखिए, पहले लिखेंगे x प्लस y बराबर क्या हो सकता है, x प्लस y बराबर क्या हो सकता है, सीधा सीधा एक त्रिभुज है पी क्यू यस में, त्रिभुज पी क्यू यस में आप देख रहे हैं x प्लस y बराबर 90 अंश है। अब वही प्रूफ करना कैसे है, क्योंकि ये कोण 90 अंश का है। अब दो कोणों का योगफल लगा, तीन कोणों का योगफल है 180 अंश है, ये 90 का निकाल लिया, दो बचे कोणों का योगफल कितना होगा 90 अंश होगा। यहां लिख सकते हैं समकोण के समकोण में दो कोण, समकोण में बचे दो कोण ऐसा लिख सकते हैं, बचे दो कोणों का दोनों कोणों का योग, समकोण में ना जो दो कोण बचते हैं उनका योगफल 90 अंश ही होता है, क्योंकि एक तो 90 अंश का पहले से फिक्स हो जाता है, ये 90 का हो गया तो ये दोनों भी 90 के होंगे मिलके। अब हो गया यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 90 अंश का। फिर लिखिए कि आप लिख सकते हैं कि कोण क्यू आर टी, क्यू आर टी, क्यू आर टी मतलब ये कोण बराबर है कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर के मतलब ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। क्यों बराबर इसको यहाँ आगे लिखिए, क्यों बराबर है यहाँ लिख दीजिए पी क्यू पैरेलल लाइन है यस आर के, चाहे यस टी करके चाहे यस आर करके दोनों बातें एक ही, क्योंकि यस टी को यस आर को ही आगे टी तक का बढ़ाया गया है, ये पैरेलल लाइन यस आर है। और यहाँ लिखिए ये एकांतर कोण है, कैसे कोण है एकांतर कोण है, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं समांतर रेखा पे बने कोण, समांतर रेखा पी क्यू और एस आर पे बना कोण ये दोनों एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। अब बराबर हो गए तो मतलब इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कोण पी क्यू आर की, पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं, यहाँ दिया क्या है क्यू आर टी की वैल्यू दी गई है 65 अंश है ना। अब और पी क्यू आर की वैल्यू दी गई है यक्स प्लस 28 अंश, यक्स प्लस कितना ले सकते हैं 28 अंश, यक्स और 28 जोड़ेंगे पूरा कोण क्यू हो जाएगा और इधर 65 अंश दिया गया, ये मैसेज लिखिए। यहाँ से यक्स की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, यक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है 65 में से 28 घटा दीजिए, 65 में से कितना घटाना है 28 घटा दीजिए तो आ जाएगा 37 कितना अंश आ गया 37 अंश आ गया, यक्स अगर 37 अंश आ गया यही समीकरण में रख दीजिए इसको वैल्यू, मतलब इसका नाम दे दीजिए समीकरण एक, तो यक्स बराबर 37 अंश समीकरण एक में रखने पर बस आप रख दीजिए जो वैल्यू आई वही हो जाएगा। यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 90 अंश है, तो वाई बराबर हो जाएगा 90 माइनस
एक्स, जबकि 90 माइनस एक्स की वैल्यू कितना आ गया 37, 37 घटा देंगे कितना आ जाएगा 43, सॉरी 53, कितना आ गया 53 आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई 37 और वाई की वैल्यू आ गई कितना 53 आंसर। ठीक, रेखा कोण का सबसे इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही, आप क्लास 9 में भी और क्लास 10 में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्या दिया गया है, पहले वो देख लीजिए, पी क्यू आर त्रिभुज एक, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू आर को यस तक बढ़ाया गया है, क्यू आर रेखा को कहां तक बढ़ाया गया है यस तक बढ़ाया गया है। फिर और कह रहा है पी क्यू आर एवं पी आर एस का समविभाजक टी पर मिलता है, पी क्यू आर एवं पी आर एस का समविभाजक टी पर मिलता है और सिद्ध करना है क्यू टी आर, क्यू टी आर बराबर है आधा हाफ क्यू पी आर का, मतलब ये जो है बराबर है इसके आधे के, ये बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है। तो पहले दिया गया क्या है कि यस तक बढ़ाया गया, क्या बढ़ाया गया यस तक इसको बढ़ाया गया है, तो आप ये कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन है पी क्यू और ये कोण क्यू और कोण आर का क्या समविभाजक टी पर मिलता है, इसका मतलब हो गया कोण पी क्यू आर का समविभाजक मतलब दो से भाग कर दिया जाए, अगर इसका नाम दे दे थोड़ा सा सरल हो जाएगा, एक कर दे इसका नाम दो कर दे और इसका नाम तीन कर दे इसका नाम चार कर दे, तो कोणों को दो बार भाग में बांट गया कि पी क्यू आर का समविभाजक, अगर इसको दो बार भाग में बांटेंगे तो ये दो बढ़ेगा ना, कोण एक कोण दो हो जाएगा और समविभाजक मतलब दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब कोण पी क्यू आर को लिख सकते हैं कोण एक और ये बराबर हो सकता है कोण दो की भी, क्यों, क्योंकि उसका दो बराबर भाग में बांटा गया है, चाहे एक होगा चाहे दो, लेकिन वो दोनों भी आपस में बराबर है और इसके भी बराबर है। आप इसको कह दीजिए समीकरण नंबर एक है, आसान से लिखते चले जाए जितना स्टेप बताया जा रहा है। फिर उसी प्रकार कह रहा है कि पी आर एस का भी समविभाजक है, पी आर एस का समविभाजक है मतलब दो से भाग किया जाए, अगर दो बराबर भाग में इसको बांटेंगे तो ये भी दो भाग में टूट गया, क्या एक हो गया तीन और एक हो गया चार, और तीन और चार क्या होंगे आपस में ये भी बराबर होंगे क्योंकि वो समविभाजक है, दो बराबर भागों में जब बटेगा कोई भी चीज तो दोनों आपस में वो बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं। अब दो कंडीशन आ गए, अभी देखिए फिर आगे देखिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें त्रिभुज पी क्यू आर में ये कोण जो है पी आर एस, जो कोण पी आर एस है ये बाय कोण है, त्रिभुज का कौन सा कोण है ये, अभी ऐसे देखिए छोटा सा फिगर बना के, ये बाय कोण है त्रिभुज का, और अगर ये बाय कोण जो होता है आंतरिक के दोनों कोणों का योगफल के बराबर होते हैं, इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होता है ये बराबर होगा, ये जो कोण आर है ये दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, मतलब इसे लिख सकते हैं कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर एस के। अब देखिए क्या लिखा मैं, क्यू पी आर बराबर प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब ये पूरा कोण और ये कोण जोड़ देंगे तो बाहर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सी गहरी बच्चे क्यू पी आर, हमें क्यू पी आर की वैल्यू रखनी नहीं है, क्योंकि क्यू पी आर लेके आना है, सिद्ध करना है, इसको ऐसे लेने दीजिए। अब इसी पूरे समीकरण में थोड़ा सा कंडीशन देखिए, अगर दो से भाग कर दे, क्योंकि हमें क्यू पी आर बटे दो ले जाना है, इसमें भी दो से भाग कर दीजिए, हर जगह जाके हमने दो से भाग कर दिया, दो से भाग करने के बाद ये बता क्या कोण क्यू पी आर बटे दो, जो लेफ्ट साइड राइट साइड लेके आना था वो तो हमें मिल गया, बस अगर इसको खत्म कर दे और इधर ये लेके आए क्यू पी आर लेके आना है। अब पी क्यू आर लिखना है, पी क्यू आर बटे दो किसके बराबर है, कोण एक के भी बराबर है कोण दो के भी बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर बटे दो की वैल्यू क्या होगी, आप लिख सकते हैं कोण दो होगा, क्यों, क्योंकि पी क्यू आर बटे दो की वैल्यू कोण दो के बराबर होगा, पी क्यू आर बटे दो की वैल्यू किसके बराबर है कोण दो के बराबर है, प्लस कोण पी आर एस, पी आर एस बटे दो की वैल्यू क्या लिख सकते हैं कोण चार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोण चार लिख सकते हैं, क्योंकि तीन लिखेंगे तभी और ज्यादा आप अंदर फंस जाएंगे, इससे अच्छा हम लोग क्या लिखे चार लिखे बाहर बाहर के दोनों कोण। अब देखिए यहाँ हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए कैसे लिखे हम लोग इसको, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि हमने यूज किया है किसका समीकरण एक एवं समीकरण दो का,
ना। अब जिसका यूज किया आपने वही लिख दिया, यहाँ पे हमने समीकरण एक और समीकरण दो का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख दिया पी आर एस बटे दो की वैल्यू कोण दो के बराबर, पी आर एस सॉरी पी क्यू वैल्यू और पी क्यू आर पी आर एस बटे दो की वैल्यू लिख दिया कोण चार के बराबर है। फिर देखिए अभी क्या सोचना है, अगर ये त्रिभुज क्यू टी आर है, यहाँ एक लाइन अलग से लिखिए, त्रिभुज क्यू टी आर में, किसमें त्रिभुज क्यू टी आर में ये कोण और ये कोण इस चौथे कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज का बाय कोण है सिर्फ कोण चार, क्यू टी आर का बाय कोण क्या है कोण चार है, और कोण दो और कोण टी को अगर आपस में जोड़ देंगे वो किसके बराबर हो जाएगा कोण चार के बराबर हो जाएगा। आप यहां लिख दीजिए कोण दो प्लस कोण टी, कोण टी को क्या लिखेंगे कोण लिख सकते हैं कोण क्यू टी आर, कोण दो प्लस कोण क्यू टी आर बराबर होगा कोण चार के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि क्यू टी आर का ये बाय कोण है, क्यू टी आर का क्या है ये बाय कोण है, और ये बाय कोण आंतरिक दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण दो प्लस कोण क्यू टी आर बराबर हो गया कोण चार के। अब देखिए कोण पी क्यू पी आर बटे दो प्लस कोण दो रहने दीजिए, और यहाँ से कोण चार की वैल्यू इसको कर दीजिए समीकरण नंबर तीन, तो कोण चार की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ कोण चार की वैल्यू क्या है कोण दो प्लस कोण क्यू टी आर है ना। कैसे रखें यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण तीन से किससे दिया गया है, समीकरण तीन से, समीकरण तीन से क्या हुआ कोण चार की वैल्यू कोण दो प्लस कोण क्यू टी आर रख दिया गया, कोण दो प्लस कोण क्यू टी आर रख दिया गया। अब देखिए दोनों साइड कोण दो है कट जाएगा, बचेगा क्या कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बटे दो बराबर हो गया कोण क्यू टी आर के, हमें यही प्रूफ करना था ना। फिर से देख लीजिए पहले क्या करेंगे पी क्यू आर बटे दो, क्यों? क्योंकि वो समद्विभाजक है, कोई समद्विभाजक कोण रहता है तो उसके दो बराबर पार्टों में बढ़ जाता है, और वो जो दोनों बराबर पार्टों में बढ़ते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं, कोण एक कोण दो के बराबर है, और वो किसके बराबर है कोण पी क्यू आर बटे दो के, मतलब इसको अगर दो बराबर भाग में बांटेंगे तो ये दोनों कोण बढ़ जाएंगे और वो दोनों कोण भी इसके बराबर होंगे। उसी प्रकार की है कि आर एफ भी दो बराबर भागों में बांटा गया है क्योंकि वो भी संधिवादक टी में मिला है, तो कोण तीन और कोण चार भागों में दो बढ़ गया, और कोण तीन और कोण चार आपस में बराबर होंगे, और वो जो बराबर किसके होगा पी आर एफ बटे दो के बराबर होगा। ये समीकरण आपके हो गए। आप इसको लिख सकते हैं ये दोनों क्या पार्ट है, ये पार्ट दिया गया है, ये है दिया गया है इसलिए ऐसा पार्ट हो गया। फिर देखिए कोण पी क्यू आर में, पी क्यू आर में बता सकते हैं ये कोण जो बाहरी कोण है इन दोनों कोणों के ऊपर के बराबर होगा कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर पी आर एस होगा, क्यू क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर मतलब ये और ये कोण जोड़ दीजिए इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर इस वाले कोण के बराबर है तो हमने क्या किया समीकरण में पूरे दो से भाग कर दिया, या फिर समीकरण में दो से भाग, दो से क्या किया गया भाग किया गया, भाग करने के बाद क्या हो गया क्यू पी आर बटे दो हो गया, पी क्यू आर बटे दो हो गया, पी आर एस बटे दो हो गया। अब यहाँ से क्यू पी आर को हमें लेके आना था, क्यू पी आर बटे दो लेके आना, तो उसको हमने कुछ नहीं किया इसलिए उसी प्रकार उसको लिखे रहने दिए, और जबकि पी क्यू आर बटे दो की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ दो रखा गया, यहाँ से दो रख दिए पी क्यू आर की वैल्यू, और पी आर एस की बटे दो की वैल्यू कोण चार रख दिया गया, दोनों वैल्यू ने यहाँ पे रख दिए। फिर उसके बाद देखिए कोण दो आ गया, कोण ये चार के बराबर हो गया। फिर यहाँ हमने क्या किया कि क्यू टी आर एक त्रिभुज है जिसका बाय कोण ये चार जो है, इसका बाय कोण क्या है चार है, और चार किसके बराबर होगा ये कोण दो और कोण टी के, दोनों के योगफल के कोण चार बराबर होगा, हमने चार की वैल्यू बराबर कर दिए कोण दो प्लस कोण टी और क्यू टी आर के, यही जो दोनों वैल्यू थी यहाँ पे कोण चार के स्थान पे, यहाँ से देखिए ये वैल्यू यहाँ से रख इसमें रख दिया, और इसमें जब रखे तो कोण दो और कोण दो दोनों पक्ष से कट गया, आपका आंसर आ गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की सार्वभौमिकता तथा समरूपता उसके लिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।